बताते हैं कि उनकी लॉटरी में ऑल्टो निकली, मगर जितना पैसा उसका डूब गया लॉटरी में उतने में अपनी स्विफ्ट बन जाती है। यार मैंने थोड़ा प्लानिंग वाला आदमी हूँ, ठीक है, मैं जनरली थोड़ी लंबी प्लानिंग करता हूँ। लाइक मैंने 7 साल ना आईटी में काम करा है, तो मैं क्या करता था, जब जैसे अभी साल खत्म हो रहा है तो अगले साल का कैलेंडर आता था ऑफिस का, तो मैं तभी देखता था अगले साल कौन कौन से वीकेंड पे लंबा वीकेंड पड़ेगा और मैं जाऊँगा पार्टी करने, घूमने फिरने। लाइक मैं पहले प्लान कर लेता, मैंने इस साल डिसाइड कर लिया कि मैं अगले साल क्रिसमस पे गोवा जाऊँगा। लाइक अभी शुरू अगले साल मैंने प्लान कर लिया, मैं जाऊँगा पार्टी करूँगा, मस्त पार्टी करूँगा, जाऊँगा बागा बीच। बागा बीच पता तुम लोगों को? बड़े कूल बीच, वो बीच नहीं होता जहाँ पे सब लोग कपड़े पूरे पहन के नहाते हैं। इसको बीच क्यों कहते हैं, इसको घाट ही घोषित कर दो ना। मैं प्लान कर लिया, मैं कहा मैं जाऊँगा बागा बीच, घूमूंगा, कूल बनूंगा और वो कूल चीज़ें देखूंगा, जैसे वो नहीं तो सनबर्न, वैसी कूल चीज़ें। सनबर्न का खुद प्लान नहीं बना अभी आने का, वो चाहे तत्काल में टिकट बुक करवाया, मैंने प्लान कर लिया मैं तो देखने वाला हूँ। और जैसे मैं आगे चलता हूँ अपनी सोच से, तो मेरे घर वाले वही है ना, सेम फैमिली। तो जब मैं सोचना शुरू करता हूँ, मम्मी का ना कहीं से फ़ोन आ जाता है कि और क्या चल रहा लाइफ में, तो मैं बताता हूँ अगले साल गोवा जाऊँगा। मम्मी मेरी सपोर्टिव अबाउट देते, हाँ हाँ बेटा जाओ जाओ शाबाश, घूमने फिरने के तुम्हारे तुम्हारी, मगर बेटा पानी से दूर है। तो मैं करने क्या जा रहा हूँ वहाँ पे, क्योंकि धूप तो यहाँ पे भी आती है और अंग्रेज में इंटरनेट पे देख ही लेता हूँ। डज नॉट मैटर हु यू आर, वार्निंग सारी मम्मियों को सेम है, मम्मी मैं गोवा जा रहा हूँ, बेटा पानी से दूर रहना। मम्मी स्विमिंग में गोल्ड मेडल है मेरा, बेटा मेडल वाला कुछ नहीं होता, लहराएगी खींच के ले जाएगी साथ अपने। मेरी प्लानिंग लंबी चलती यार, लाइक मेरे को मैं सॉर्टेड हूँ लाइफ में। मैंने कहा लोग प्लान नहीं करते यार, खासकर पैसे के मामले, लोगों को चाहिए कि मतलब प्लान ना करना पड़े हमें। मैं सवेरे 2019 चल रहा है, कितने एडवांस होंगे लोग, आज भी समाज में ऐसे हैं जो लॉटरियाँ डाल रहे हैं कि सब लोग पैसे डालो एक का प्राइज निकले, लोग देखा देखे लॉटरी डाल के उनकी निकली हमारी भी निकल जाएगी। और बताते हैं कि उनकी लॉटरी में ऑल्टो निकली, मगर जितना पैसा उसका डूब गया लॉटरी में उतने में अपनी स्विफ्ट बन जाती है। और तुम्हें देखा तुम्हें हर कुछ साल में ना हम इंसानों को ना कोई नया ट्रेंड चाहिए होता है कि हाँ अब हम इस तरीके से स्कैम करेंगे। पहले आते थे लॉटरी वाला फंडा कि सब लोग थोड़े पैसे डालो, एक बंदे निकले वो चला गया घर। फिर आया कंपनी बोला पैसे डालो ही मत, अचानक फ़ोन आएगा कि आपका ना वो टूर ट्रैवल का वाउचर निकला। कह रहा मगर हमने तो कुछ किया ही नहीं था। कह रहा हाँ मगर वो निकल गया, ये जोमेटो का लड़का ये निकल चुका है। हर 2 साल में कोई नया स्कैम। अभी फिर एक नया वो आया था, वो स्कीम होती ना वो वाली मेंबर बनाने आप दो मेंबर बनाओ, आप दो मेंबर बनाओ। वो बोलते मेंबर बनाना कुछ और होता, पर उनको आइडिया, उनसे पूछो ना कि इतने मेंबर बना के करना क्या है, क्या करें इतने मेंबर बना के। कह रहे वो तो मालिक ने बताया नहीं हमें अभी तक, तो मैं मालिक से पूछो, कह रहे वो खुद मेंबर बनाने गए हुए हैं। लोगों की प्लानिंग बहुत खराब है यार, मतलब पैसे वाले बिल्कुल भी नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि मतलब कि पैसों को ध्यान देना जरूरी है, लाइक सेविंग ना, बट पैसों पे ध्यान होना चाहिए तुम्हारा, पता होना चाहिए कौन सा पैसा कहाँ पड़ा है, कभी जरूरत पड़े, क्योंकि पता नहीं होता ना किस टाइम पे कौन सी करेंसी बंद हो जाए। पैसा पता होना चाहिए बंदों को कहाँ पड़ा हुआ। लोग नहीं, लोगों को चाहिए कि मेरे को पैसा चाहिए रातों रात, मेरे को रातों रात जस्ट लाइक मेरे को पैसा चाहिए ATM की तरह एकदम तुरंत, मगर कार्ड मेरा यूज़ ना हो। लेकिन जा रहे सड़क पे कोई बोले अरे भैया ये इधर आओ, ये 3.25 लाख रुपए आपका तो नहीं गिर गया? कह रहा हाँ हाँ मेरा ही है। तो मेरे जेब में छोटा सा होल था, उसमें से गड्डी निकल गई होगी पूरी। लोगों की प्लानिंग इतनी खराब है। गुड़गांव में एक ग्रुप था जिन्होंने क्या करा, कैब वाला किडनैप कर लिया। क्या जनरली लोग किडनैप करते जो बंदा खड़ा हो, ये बंदा चल रहा, इन्होंने उसको किडनैप कर लिया। ये किडनैप होने वाला पहला आदमी जो खुद किडनैप होने लोकेशन पे पहुंचा है। वो लोकेशन समझा रहे, कह रहे भैया कहाँ पर आना है, कह रहे सामने देख रहे हो ये 4 लौंडे खड़े लफंटे टाइप एकदम, कह रहे हाँ दिख रहे वो खूंखार वाले, कह रहे हाँ 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 जिनके आंखों में खून है, कह रहे बिल्कुल सही दरिंदे वही है, वहीं पहुँच जाओ। अंदर बैठ के बोला, कह रहा गाड़ी हाईवे पे ले, कह रहा भैया OTP दो। कैब वाला कौन किडनैप करता है यार? मैं ये नहीं कह रहा किडनैपिंग करो, बट मैं कह रहा हूँ अगर नौबत आनी पड़ी है तो कैब वाला कौन किडनैप करता है? उसके पास पैसे, कैब वाले को कितने पैसे होते होंगे यार? मैं ये नहीं बोला पैसे होते हैं उनके, बट वो मोस्टली वो लेते ना फोन पे, पेटीएम वाले लेते ना। और किडनैप कर लिया तो क्या करोगे, चलो भाई सब लोग अपना अपना QR कोड निकालो, बैठे स्कैन कर रहे हैं कि हाँ आप क्या आ गए। कैब वाला भी क्या बोलेगा, भैया मुझे जाने दो भैया, प्लीज़ जाने दो भैया, मैं बहुत गरीब आदमी भैया, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और ऊपर से मैंने KYC भी नहीं करवा रखा।
ये नए नए ट्रेंड यार, रोज नए ट्रेंड यार, ये ट्रेंड ट्रेंड यार आते रहते यार, मगर इसकी एक और बात होती है कि ये चले भी जाते हैं, हर रोज नया ट्रेंड आ रहा है। पहले ये आइस बकेट चैलेंज आया, फिर ये बर्ड बॉक्स चैलेंज देखा, तो ऐसे आंखों पट्टी बांध के लोग घुसेड़ रहे हैं गाड़ियां जाके दीवारों में, फिर अभी ये लोगों को वीडियो बनानी अपनी ये ऐसे धुएं के छल्ले होके के डालनी इंस्टाग्राम टिकटॉक पे, और अभी लेटर थी अपना अक्षय का बाला चैलेंज कि डांस करके दिखाओ। ट्रेंड आई जा रहे हैं यार, और लोग फॉलो भी कर रहे हैं, क्योंकि हमें चाहिए लाइक इंस्टाग्राम पे तुरंत। ऐसे ट्रेंड हर चीज़ में आते हैं, इन्वेस्टमेंट में भी आते हैं, उसमें ये नहीं होता कि जो पिछले साल चल रहा था उसमें सारा पैसा डाल दिया, अंधा धू, ना 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 ना, एडवाइस लेनी है, प्रॉपर एडवाइस लेनी है। किससे लेनी है? प्रोफेशनल फाइनेंशियल कंसल्टेंट से, क्योंकि ऐसी चीज़ों में दिमाग लगाना जरूरी है भाई। ब्रेक द बायस। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.